आईएमए में गोरखपुर के सचिव पद के लिए दो प्रत्याशियों का चुनाव बुधवार को सीतापुर आई हॉस्पिटल स्थित आईएमए के कार्यालय पर सुबह से ही डॉक्टरों ने मतदान किया। मतदान को लेकर डॉक्टरों में काफी उत्साह दिखा और सुबह से लेकर शाम तक आईएमए के सदस्यों की वोट देने के लिए भीड़ जुटी रही। मतदान खत्म होते ही शाम को मतगणना शुरू हुई। मतगणना के दौरान डॉक्टर अमित मिश्रा को 192 मत मिले और डॉक्टर दीपक मोदी को 175 मत मिले। इस तरह डॉक्टर अमित मिश्रा 17 वोट से सचिव पद के लिए विजयी घोषित हुए। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व सचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता पहले ही निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा चुके थे और आईएमए गोरखपुर के कार्यकारिणी के सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। आईएमए गोरखपुर के सचिव पद के लिए दो प्रत्याशियों डॉक्टर अमित मिश्रा और डॉक्टर दीपक मोदी के होने की वजह से चुनाव की नौबत आई। कड़े मुकाबले में 17 वोट से चुनाव जीते नव निर्वाचित सचिव अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि आईएमए गोरखपुर संस्था द्वारा अभी तक हो रहे सभी सामाजिक कार्य निःशुल्क हुए हैं। आईएमए में निःशुल्क ओपीडी, ऑपरेशन, रक्तदान शिविर जैसे कार्यों को हम और बड़े स्तर पर ले जाएंगे तथा आईएमए में निःशुल्क ओपीडी में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं भी प्रदान किया जाएगा तथा नव निर्मित आईएमए भवन में दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएमए के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस सी कौशिक, नव निर्वाचित सचिव डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा एवं नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा, जब तक ग्राम नहीं आने वाला है घरेलू हिंसा में महिला जो कह रही है लेकिन आप एक सर जब लगा था तो मैं डॉक्टर कौशिक आज यहाँ पे आईएमए का चुनाव करवा रहा हूँ। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ अभी आईएमए का और यहाँ पे सचिव पद के लिए 2022-2023 सत्र के लिए चुनाव हो रहा है जिसमें डॉक्टर दीपक मोदी और डॉक्टर अमित मिश्रा प्रत्याशी हैं और वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है और यहाँ पे काफ़ी जोश है। आईएमए के सदस्यों में सभी लोग भारी संख्या में आकर मतदान कर रहे हैं और शाम को 6 बजे के बाद जब वोटिंग ख़त्म होगी उसके बाद तत्काल गणना करके और रिजल्ट भी परिणाम भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। केवल सचिव का जी केवल सचिव का हो रहा, बाकी सारे प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव कर लिए गए हैं। अधिकारी एक
जितने भी नेता थे इधर देखिए सर, स्माइल करिए भैया, हंसते रहिए। इतना अच्छा कैमरा बंद हो गया, अरे हो गया सीन ही है, अरे अरे आप पीछे आ जाओ, अरे ब्रिजेश जी सर एक मिनट रुक जाओ अभी अभी IMA का चुनाव सचिव पद के लिए संपन्न हुआ है और दो प्रत्याशी डॉक्टर अमित मिश्रा और डॉक्टर दीपक मोदी थे। डॉक्टर अमित मिश्रा को 192 वोट मिले और डॉक्टर दीपक मोदी को 175 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर अमित मिश्रा 70 वोटों से विजयी रहे। जी क्या, मेरा कहना यही है कि जितने भी IMA के काम हो रहे हैं वो आगे वैसे ही होते रहें, जो इम्प्रूवमेंट हम उसमें और कर सकते हैं उसको और इम्प्रूव करें, जनमानस तक हमारा डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो। और हमारा IMA भवन बन रहा है, वो IMA भवन पूर्ण हो जाए और हमारी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे, जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं या जो भी फंक्शंस हैं वो हम अपना IMA भवन में करें। क्या प्राथमिकता रह गया? हमारी प्राथमिकताएं मेनली यही रहेंगी कि जो झोला छाप हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद किया जाए, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद किया जाए, और जो पेशेंट्स को जो सुविधाएँ IMA दे सकता है, IMA के डॉक्टर अब प्रदान कर सकते हैं निःशुल्क रूप से, वो प्रदान किया जाए। देखिए IMA एक चिकित्सीय संगठन है जो इसमें कि हर वर्ग के चिकित्सक शामिल हैं। ये संगठन अपने लिए समाज के लिए काम करता है, तमाम ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो समाज का भला करती हैं। और आगे क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता रहेंगी जो कार्य चल रहे हैं वो ऐसे ही अनवरत चलते रहें, और हमारे पहले जो काम हो चुके हैं वो वैसे ही आगे बढ़ें और उसमें कुछ निरंतर नया जुड़ता रहे, और समाज सेवा के प्रति हम लोगों की दायित्व जो बनी हुई है वो वैसे ही बनी रहे। जैसे हम लोग का निःशुल्क सेवा चल रहा है वो चलता रहना चाहिए, मंदबुद्धि पाल संस्थान चलता है और IMA भवन भी बनाने के, जब लोग उसमें भी एक माध्यमिक विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलने के कार्यवाही करने जा रहे हैं, तो शीघ्र ही वो सफल होगा तो उसमें भी किया जाएगा।